जी होप का बर्थडे है आज, तो हम सोचे क्यों ना एक जी होप का स्पेशल कोई सॉन्ग सेलेक्ट करते हैं जो हम नहीं सुने हैं। सो बहुत कोई मेरे को रिक्वेस्ट आ रहा था चिकन नूडल सूप का, तो डेफिनेटली हम चिकन नूडल सूप सुन चुके हैं, क्योंकि हम BTS सुनते हैं। जब हम BTS का वीडियो चैनल बनाने का ट्राई कर रहे थे, तो हम जी होप ही है जो मेरे को, हम जी होप मेरा बायस है, तो समझ सकते हो। जी होप का हम चिकन नूडल सूप सुन चुके हैं, फिर एयरप्लेन सुन चुके हैं, तो और रिएक्शन भी तुमको मिल जाएगा उसका, एयरप्लेन का। चिकन नूडल्स तो बहुत पहले सुने थे, तो डेफिनेटली उसका नहीं कर पाए। सो एक सॉन्ग है जो बहुत हाईलाइट हो, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा रिक्वेस्टेड था चिकन नूडल सूप के बाद, जिसका नाम है जस्ट डांस। तो पहले इसका ये देखते हैं, कलर कोटेड लिरिक्स देखते हैं, उसके बाद लाइव वर्जन देखते हैं। तो लेट्स गो चेक आउट जस्ट डांस। क्या फोटो देख रहे हो? लेट्स गो। भाई जो भाई भाई होप जो नाम है भाई, वो एकदम स्टक कर गया जेहोप के साथ, और हर सॉन्ग में भाई वो अपना नाम को एक बार प्रूव करता है कि भाई वो सही में जी होप है। हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ये रैप नहीं होगा, मतलब इतना इतना सिंगिंग जेहोप के तरफ से देखने को मिल रहा है भाई। ओ भाई मोस्टली तो सिंगिंग ही है ना, मतलब ये तो रैप तो नहीं है, इतना मेलोडी रैप नहीं है, एकदम सिंगिंग देखने को मिल रहा, सिंगिंग सिंगिंग वाला। ये फुल्ली सिंगिंग है। भाई यहाँ पर हम इमेजिन कर सकते हैं जी हो फुल हैम जाने वाला है एक कोरियोग्राफी में। भाई थोड़ा देर के लिए जॉब जैसा साउंड भी नहीं कर रहा है जो सिंगिंग वाला। ओ भाई मतलब एकदम एक्सपेक्टेशन के ऊपर ये गया है सिंगिंग में। पता है स्प्रिंग डे जो सॉन्ग है उसको तुम वो उसमें तुम लोग बोले उसमें जेहोप सिंग करता है, मेरे को एक बहुत लंबा कमेंट आया था कि अगर तुमको जेहोप का सिंगिंग देखना है तो स्प्रिंग डे पे रिएक्ट करो, तब तो डेफिनेटली हम वो चेक करेंगे। तो ये हमको अब मतलब आइडिया आ रहा है कि जेहोप भाई सिंग कर सकता है। भाई इतना टाइम के बाद रैपिंग वाला पार्ट आया।
ये सॉन्ग का लिरिक्स का सबसे अच्छा पार्ट क्या है, ये जब डांस करने का मूड करता है ना, उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे तुमको, अगर जब तुम डांस इमेजिन करते हो कि जब तुमको करने का मन करता हो तुम कैसे इमेजिन करते हो, अलग अलग सिनेरियो बना के अलग अलग चीज़ करके, भाई ये बेस्ट पार्ट लग रहा है। सॉन्ग का टाइटल है जस्ट डांस, और ये इमेजिन, जैसे हम लोग जब जैसे इमेजिन करते हैं जस्ट डांस को, जब डांस दिमाग में आता है इमेजिन हम लोग करते हुए, तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो को इमेजिन करके वो एज अ लिरिक्स में गया है भाई। ये बहुत, मतलब इस लिरिक्स को मेरे लिए एक लेवल ऊपर लेके जाता है। वे मेरा फेवरेट पार्ट है, ये बन गया एकदम। ओ भाई मजा आ गया। अब तुम लोग के लिए और एक चीज है यहाँ पे, ये वाला, मतलब कोई भी अच्छे, यहाँ पर ये वाला स्टेडियम जब दिखता है तो भाई हमको जंकू का यूफोरिया याद आता है, फिर जिमिन का सिन, हम नाम लेने जाएंगे तुमको रिएक्शन मिल जाएगा, सिन्नी पीडी वैसे ही कुछ नाम है हम, भाई प्रोनाउंसिएशन मेरा इतना गंदा है ना। तो लेट्स चेक आउट अब जे होप का जस्ट डांस का लाइव परफॉर्मेंस 4K में। ओ भाई वर्सेस सका डेफिनेटली प्रेफर करेंगे कभी जेहोप इंड, मतलब जेहोप पर बीटीएस इंडिया में भी कॉन्सर्ट करे भाई, कितना एक्साइटिंग होगा सोच रहे हो। डेफिनेटली जब ये लोग अपना ड्यूटी पूरा करके वापस आएगा तो डेफिनेटली भाई आना चाहिए एक बार, नहीं इतना बड़ा कंट्री है।어떤 바운스도 좋아 dance with me 어디서 와 go what you move to go 자연스럽게 와 say something 이상해 너무 자막해 뭐든지 잘될 것 같아 but you're my friend yeah my friend just 함께하는 느낌 좋아 너와 함께하는 춤들이 좋아 너와 I just wonder 저 singing में ना जो नेजल वॉइस ज़्यादा यूज़ कर रहा है अपना, और रैप में अपना ये यहाँ से ज़्यादा, मतलब वोकल बॉक्स ज़्यादा यूज़ कर रहा है एज अ रैप में, और सिंगिंग में एज अ नेजल वॉइस ज़्यादा यूज़ कर रहा है, जो पता है दोनों सुनने में एकदम डिफरेंट लग रहा है, एकदम तो लग रहा है कि डिफरेंट पर्सन का आ रहा है सॉन्ग में भी और लाइव में, तो अलग और ही अलग लग रहा है। रैप पार्ट देखते हैं अपना ओरिजिनल वॉइस में करता है कि नहीं। Let's go.
भाई हमको उसको देख के डर लग रहा है, फ्लोर सब मूव कर रहा है भाई, ट्रिप ना कर जाए। जीहोप का टॉकिंग वॉइस, रैप वॉइस, सिंगिंग वॉइस तीनों अलग, एकदम एकदम पता भी नहीं चलता तुम तीनों सेम कोई है। भाई हमको थोड़ा लगा था जेहोप अगर एज अ डांसर में ज़्यादा हार्ड जाएगा, पर जेहोप का एक ये है कि जब खुद में रहता है या तो फुल्ली डांस जाता है या तो फुल्ली सिंगिंग जाता है, ये भी बात है जेहोप का हम नोटिस किए। ये सॉन्ग डांस पे फोकस नहीं है, ये सॉन्ग का जो डांस का जो सोल है, मतलब जो मतलब एक होता है डांस डांस करना, कोरियोग्राफी जो पार्ट पार्ट करना, एक होता है इंजॉय डांस जो एकदम हाथ वाथ फेंक के तुमको फर्क नहीं पड़ रहा, तुम खुशी से डांस कर रहे हो, तो वो उस पे है। जस्ट डांस का जो लिरिक्स है उसको ही डिस्क्राइब करता है, कोरियोग्राफी वाला को नहीं। तो एज एक्सपेक्टेड जो लिरिक्स पे अपना टिका रहा, क्योंकि यहाँ पर वो एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी डांस कर सकता था अकेले, बट बैकअप डांसर लाया, सब मिलके डांस किया, गुड। भाई देख रहे हो क्राउड का भाई एनर्जी, जे होप जे होप, हैप्पी बर्थडे भी बोल दो जय आपको। ओके ओसाकामोटो किको, आज इतना विजन आज को अभी जो तुम लोग देख रहे हो जिस दिन अपलोड किया है, कमेंट्स में जाओ हैप्पी बर्थडे जय होप लिखो। पता है हम लोग तरफ से फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक मेरा चैनल पे हमको लगेगा कि हम कुछ तो कर रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि फ्यूचर में अगर जी हो बाहर भी अगर ये लोग कॉन्सर्ट किया तो हम जाके डेफिनेटली देखेंगे। तो ये मतलब काइंड ऑफ सोच लो एक चेन बना रहे हो कि तुम्हारा कमेंट मेरा मेरे को हेल्प करेगा और हम मेरा चैनल को ग्रो कराएगा, हम वही चैनल ग्रो करके उसका हेल्प से कॉन्सर्ट जाएंगे। तो काइंड ऑफ साइकिल बड़ा है, पर होप करते हैं एक दिन कॉन्सर्ट में रहे। What a shot! हमको थंबनेल मिल गया भाई, अगर थंबनेल में कुछ और दिखे तो भाई सोचना हम अच्छा से नहीं कर पाए, बट व्हाट अ शॉट, ओ भाई। भाई रेनबो आ गया, देख रहे भाई खुशी से, ओ भाई।
अरे कब तो ओ भाई डेफिनेटली भाई ये बात है कि ये लोग का जब भी देखते हैं टाइम तो भाई हमेशा इंजॉयबल रहता ही है, हमेशा मतलब गुड टाइम होता है। मतलब जब भी बीटीएस को लगाते हैं इतना तो पता है कि भाई टाइम अच्छा जाने वाला है। जो इतना रिकॉर्डिंग में बैठते हैं वो टाइम नहीं लगता है कि भाई इतना सोचते हैं कि भाई कि दिक्कत होगा पार करने में। और मैं इतना ये कैमरा येलो येलो क्यों लग रहा है, कोई नहीं देखना पड़ेगा इतना येलो लाइट क्यों मेरा प्यार है, पर कोई नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और एक बार और रिक्वेस्ट करेंगे कि जाके कमेंट में रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट करो कुछ अपना ओपिनियन डालना, ओपिनियन डालो हम अपना वीडियो को कुछ भी तुमको देख के लगता है कुछ हम अपना वीडियो में बेटर कर सकते हैं तो वो भी डाल सकते हो। अगर तुमको कुछ आइडिया नहीं आ रहा क्या तो हैप्पी बर्थडे जो पे लिख दो, क्योंकि चैनल को अभी हेल्प मिलेगा। नहीं पता क्यों मेरा हर एक वीडियो 200 व्यूज़ पर आके रुक जा रहा है, एकदम स्टक हो जा रहा है कुछ एक 2 वीक से। तो डेफिनेटली वो चैनल को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और अभी हेल्प अभी अर्ली स्टेज पे चैनल को हेल्प चाहिए भी। तो तुम ही लोग जो कर सकते हो कर सकते हो। तो अगर तुमको थोड़ा सा भी हमको अगर तुमको लगता है मेरे को इम्प्रूवमेंट चाहिए कि मेरे को सब्सक्राइबर बढ़ रहा है बट इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली बताओ हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और डेफिनेटली हम फ्यूचर में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करेंगे भी, मेरे तरफ से भी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, और डेफिनेटली हैप्पी बर्थडे जो हो कमेंट करके जाना। और भाई नाइस सॉन्ग, मज़ा आ गया, सही होना रहा गाइस।